प्यारे बच्चों, पैस 2020 की तैयारी के लिए भेजी गई प्रैक्टिस शीट नंबर 14 के हिंदी भाग में आपका सुस्वागतम है। प्यारे बच्चों, हर रोज़ की तरह पहले हम ये गद्यांश पढ़ेंगे और फिर इन पांच प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से ढूंढेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है बेटा। व्यायाम यानी कि कसरत। व्यायाम करने से शरीर के अंग स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ शरीर में मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ होते हैं बेटा। मस्तिष्क यानी कि दिमाग। व्यायाम करने से चुस्ती आती है। जिस व्यक्ति को व्यायाम की आदत पड़ जाती है वह कभी रोगी नहीं होता। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। आवश्यक मीन्स ज़रूरी है। हमें प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ नियमित रूप से सुबह या शाम व्यायाम अवश्य करना चाहिए। पहला प्रश्न है बच्चों, उपरोक्त गद्यांश में स्वस्थ से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय यानी कि इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। बेटा, स्वस्थ होता है सेहतमंद। तो सही उत्तर क्या कौन सा है इसका, घ विकल्प स्वस्थ। क रोग नहीं होता, ना ही ख तेज है और ना ही ग बीमार है। स्वस्थ का सही अभिप्राय क्या है, घ सेहतमंद। प्रश्न नंबर दो, शरीर के लिए सबसे आवश्यक क्या है। क व्यायाम, ख चुस्ती, ग मन, घ रोग। बेटा, इसका सही उत्तर क्या है, क विकल्प यानी कि व्यायाम। प्रश्न तीसरा, व्यायाम करने से शरीर में क्या होता है। क आलस आता है, जी नहीं। ख चुस्ती आती है, जी हाँ। ग बीमारी बढ़ती है, जी नहीं। घ रोग लगते हैं, जी नहीं। यानी कि सही उत्तर कौन सा है, ख चुस्ती आती है। प्रश्न चार, उपरोक्त गद्यांश किससे संबंधित है। क व्यायाम से, ख खेल कूद से, ग अच्छी आदतों से और घ स्वास्थ्य और व्यायाम से। तो बेटा, इसका सही उत्तर कौन सा विकल्प है, घ स्वास्थ्य और व्यायाम से। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है। बेटा देखो, क जो विकल्प है उसमें लिखा है चुस्ती आधा स और पूरा त, ये है एक संयुक्त व्यंजन। व्यक्ति में आधा व पूरा य या फिर आधा क और पूरा त। जो है हमारे पास विकल्प घ, उसमें है जी आधा स पूरा व या फिर आधा स और पूरा थ। बेटा, जो ग विकल्प है उसमें कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो सही उत्तर क्या हुआ, ग विकल्प।